सफारी लोग हैं। तो हम लोग आए हैं सफारी, ये देख लीजिए सफारी होटल यही है। आए हैं, खाना खाने का टाइम नहीं है, घर से चार बार फोन आ चुका है, अब गाली सुनेंगे, हमको लग रहा है बहुत गंदा वाला। हेलो फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आप सब ने मेरा पिछला व्लॉग देखा था पतंग उड़ाने वाला, उसमें बहुत मज़ा आया था मुझे। और अभी अभी मुझे भैया का फ़ोन आया था, बोले कि चलना है रेणुकूट, तो मैं अभी रेडी हो गया हूँ और अब जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ रेणुकूट के लिए, रवाना होने वाले हैं। और बोले उसी बहाने हम रेणुकूट जा रहे हैं, तो लगे हैं थोड़ा व्लॉग भी शूट कर लेंगे। तो रेडी तो हो गए हैं, बस अब गाड़ी का वेट कर रहे हैं, कब गाड़ी आएगी और गाड़ी में जाएंगे। और आप लोग एक चीज़ और बताइएगा, मैं अपने व्लॉग का नाम चेंज कर लूँ, अभिनव गुप्ता व्लॉग रख लूँ, वो तो है ही कि वो रख लूँ, टी टू व्लॉग रख लूँ। बताइए आप लोग को दोनों में से जो भी अच्छा लगा है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए चला जाए। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं रेणुकूट, इस गाड़ी से जा रहे हैं रेणुकूट, तो चला जाए रेणुकूट। और मजा किया जाए, बस रेणुकूट जाना है, छू के वापस आना है। आप लोग ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अभी तो हम लोग आए हैं एक दुकान में, चलिए देखा जाए वहाँ क्या करना है। आई थिंक भैया यहाँ शॉपिंग करना है, चलिए देख लिया जाए। बिपुलगंज क्रॉस किए हैं, अभी रेणुकूट पहुंचने में टाइम है। ये घर देख सकते हैं, जिसका भी घर है बहुत मस्त है, लिखा है बिपुलगंज। तो अभी हम लोग का रेणुकूट पहुंचने में लग रहा है कि एक घंटा लग सकता है, एक घंटा नहीं तो आधा घंटा लग सकता है। पर देखिए हम लोग को बीच में थोड़ा टाइम लग गया, हम लोग बीच में उस दुकान पर रुक गए थे, कुछ काम था। फिर भी हम लोग बस रेणुकूट जाना है और रेणुकूट में मिलना है, वापस आ जाना है। बस 5-10 मिनट का रेणुकूट में काम है, वहां से हम लोग वापस आ जाएंगे। तब आप लोग रास्ता देखिए और एंजॉय करिए। जाएंगे तो अपने ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा यार, धूप बहुत तेज हो गया, चला जाए। जाके जैसा मैंने कहा था, एक घंटे बाद हम लोग पहुंच गए रेणुकूट, रेणुकूट ही पहुंचे हैं। तो चला जाए अंदर। और इस बार मैं इनके साथ आया हूँ और आज के हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। आपने इन्हें देखा होगा पिछले व्लॉग में, हेलो करो, हाय कर दो, हाय करो। आपने इन्हें भी देखा होगा पिछले व्लॉग में, ये तो मेरे साथ दो व्लॉग में थे। तो अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, कॉफी भी है इधर, पेस्ट्री भी है, नमकीन भी है
और फिर नमकीन भी है, तो आप लोग व्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक शेयर। हम लोग आए हैं यहाँ पर कुछ काम से, किसी भैया को किसी आदमी से मिलना था, उससे कुछ पेपर ऊपर ले रहा था, तो तब तक आप लोग मेरा टाइम लैप्स देखते रहिए। इस काम से हम लोग इनकोड गए थे, वो काम तो हो गया, मिलन मिलाप हो गया, हम लोग खूब खाए पिए, जो जो खाए आपको सब दिखाए। अब हम लोग जा रहे हैं घर की ओर, और अब घर की ओर जाएंगे, बीच में रिहन डैम दिखेगा आप लोग को, वो दिखाऊंगा थोड़ी देर, और उसके बाद तब तक आप लोग मेरा टाइम लैप्स एंजॉय करता रहिएगा। रिहन डैम क्रॉस कर रहे हैं, देख सकते हैं रिहन डैम, यही है रिहन डैम, और यहाँ पर बहुत मस्त व्यू आता है, हवा बहुत अच्छा लगता है, और अभी हमको लग रहा है हम लोग अभी घर पहुँच जाएंगे, आई थिंक 5-6 बजे तक। तो हम लोग गए थे वहाँ, देख लीजिए मेरा मुनिया, वहाँ गए थे हम लोग, आप लोगों को मैं थोड़ा फास्ट में दिखाऊंगा, टाइम लैप्स में दिखाऊंगा, ऐसे नहीं दिखा पाऊंगा। तो अभी ये हम लोग बड़े चला गया, तो अभी हमारा अनपरा में एक छोटा सा स्टॉपेज होगा, आंटी का एक काम है, आंटी का काम है, हमें नर्सरी से कुछ गमले लेने हैं, मात्र 5-6 गमला लेना है, इसलिए हम लोग अनपरा में मात्र 5-10 मिनट का स्टॉपेज होगा, वहाँ हम लोग थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद हम लोग सीधे घर निकलेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर कैसे लोग गाड़ी चला रहे हैं, इन लोग को गाड़ी चलाना नहीं आता है, तो आप लोग ब्लॉग एंजॉय करिएगा, और इस बार का ब्लॉग जल्दी ही पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट ब्लॉग भी आ रहा है सरस्वती पूजा का, तो उसमें आप लोगों को मजा बहुत आएगा। और अभी गाड़ी हम लोग चल रही है मस्त, कि गाड़ी आप लोग सब जानती हो किसी गाड़ी, और पिछले वाले आप लोगों ने ब्लॉग में बताया नहीं था गाड़ी किसकी थी, मुझे बहुत बुरा लगा किसी ने कमेंट करके बताया भी नहीं हो गाड़ी किसकी थी, और तब तक वीडियो एंजॉय करिए, गाना आज है कोई पूजा, घर पे पूजा है, मतलब घर पे नहीं, आज जगह पूजा होता है, गणेश चौथ करके आज एक पूजा है, और बताइए मैं घर से बाहर हूँ, पर इतना तो मुझे पता है घर जाकर बहुत गंदा वाला गाली सुनने वाला है, तो अगर कैमरा रहेगा साथ में, मोबाइल रहेगा, तब तो गाली नहीं सुनेंगे, इतना पता है, मम्मी बोले वीडियो बना के आया, चलो कुछ नहीं बोलेगी, पर गाली सुनना तो पक्का है, अब वो नहीं दिखाएंगे कैसे आप डांट सुनेंगे, क्योंकि अभी घर जाना, मम्मी का भी कुछ कुछ काम बचता है, थोड़ा थोड़ा काम कर देंगे, आज शायद गणेश चौथ है, आज मम्मी लोग का व्रत रहता है, रात में अर्घ देना रहता है, इतना मेरे को पता है जहाँ तक आइडिया है, तो आप लोग व्लॉग को एंजॉय कर रहे हैं तो करते रहिएगा, सही सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चला जाए आगे भी। तो अब आए हम लोग नर्सरी, तो अब आए हम नर्सरी, देख लीजिए 5 मिनट का नर्सरी में काम करके हम लोग चला जाए। तो हम लोग नर्सरी जिस काम से आए थे वो तो हुआ नहीं, हमें गमला चाहिए था नर्सरी में, वो तो हमें मिला नहीं, तो अब हम लोग चले घर की ओर, प्रस्थान, गाड़ी खड़ी है हमारी, ये गाड़ी रही, अब नर्सरी में काम खत्म, चला जाए नर्सरी, टाटा बाय बाय, ये देख लीजिए हरित सोन नर्सरी, चला जाए, अब सीधे घर पे रुकेंगे और कहीं नहीं रुकेंगे। बहुत तेज वाला भूख, तो अब रास्ते में अब पड़ने वाला है एक होटल सफारी, तो हम लोग जाएंगे होटल सफारी में, वहाँ कुछ खाएंगे, फिर वहाँ से घर निकल जाएंगे, बस होटल सफारी है, पता नहीं यहाँ से कितना दूर है, आई थिंक हमको लगता है मात्र 10 मिनट का रास्ता है, तो चलिए देखा जाए। होटल सफारी वैसे बहुत अच्छा होटल है, उसमें हम तो गए नहीं है, फर्स्ट टाइम जाएंगे खाने, तो चलिए देखा जाए वहाँ का जो भी डिश होगा वो खाएंगे और चलते बनेंगे आगे, और चलिए बता दें हम लोग होटल सफारी में कुछ खाना खाने का प्लान नहीं है, हम लोग खाना पैक कराएंगे, क्योंकि अभी घर से फ़ोन आ गया, इसलिए खाना पैक करा के हम लोग जाएंगे घर पे खाएंगे, और आए हैं अभी पेट्रोल पंप पेट्रोल भरवाने, गाड़ी अपनी खड़ी है पेट्रोल भरवाने के लिए, तो अब पता नहीं महाराज कितने पेट्रोल कितने भराता है, चलिए देखा जाए। भराने वाला काम था, कहाँ गया हम लोग, ये रहा पेट्रोल भराए थे, भरा लिए पेट्रोल, चला जाए खाना, हम लोग खाना पैक कराएंगे, खाना खाने का प्लान कैंसिल, खाना पैक करा के चला जाए घर, क्योंकि घर से 4 बार फोन आ चुका है, इसलिए और लेट नहीं होना है, चला जाए। तो हम लोग आए हैं सफारी, ये देख लीजिए सफारी होटल यही है,
आए हैं, खाना खाने का टाइम नहीं है, घर से चार बार फोन आ चुका है, अब गाली सुनेंगे, हमको लग रहा है बहुत गंदा वाला, पहले तो नहीं लग रहा था गाली सुनेंगे, अब आए हैं, खाना पैक करा के वापस। क्या खाना पैक करेंगे सब दिखा दो, सब बारी आ गई, खाना पैक कराने चला जाए, फर्स्ट टाइम कमिंग। अब हम लोग अभी घर पहुंच गए, तो अब बारी आ गई व्लॉग को एंड करने की। आप लोगों को थोड़ा साफ साफ नहीं दिख रहा होगा शीशा को, ऐसे बहुत डस्ट था रास्ते में, इसलिए मैं रास्ते का कुछ वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो अब घर में ऑलमोस्ट पहुंच गया हूं, और जाना चाहिए था उस रास्ते से पर नहीं गए, क्योंकि वो रास्ते पे काम हो रहा था, धोखा हो रहा था। तो ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना, तब तक के लिए खुश रहो। फाइनली जब मैं थक गया हूँ रेणुकूट से आके, अब देख रहे हैं आप सबकी, जैसा कि अभी जब मैं कंबल में हूँ तो रेणुकूट से आके थक गए हैं, बहुत मज़ा आया था रेणुकूट में। भैया से मिलने गए थे, आप लोगों को मैं ब्लॉग में दिखाया था किस भैया से मिलने गए थे, आप लोग उन्हें दोनों ब्लॉग में देखे होंगे, हनुमान मंदिर वाले ब्लॉग में भी, न्यू ईयर वाले ब्लॉग में भी देखे होंगे उन्हें। तो गए थे मिलने उन्हें, मज़ा आ गया, मस्त खाए पिए मौज किए, एक बार और हम लोग वहाँ ज़रूर जाएंगे, इस बार तो जाएंगे, इस बार देखिएगा क्या पता हम लोग दूसरी गाड़ी से जाएँ। तो आप लोग ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, तब तक के लिए 360।